हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, डेल का लैपटॉप है, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, इसमें लाइन आ रही हैं। तो इसमें हम आज इसको देखेंगे कि इसकी स्क्रीन चेंज कैसे करेंगे राइट सही वे में। और कई बार क्या होता है, बेजल आप देख रहे होंगे, बेजल निकाल के स्क्रीन चेंज करते हैं लोग और टूट जाती है। तो ये पूरा वीडियो मेरे साथ देखिए, तो आप सही तरीके से कैसे डेल के लैपटॉप में लैटिट्यूड का है 3480 है, तो इसमें कैसे स्क्रीन चेंज होती है आप देख पाएंगे और कर पाएंगे। आप अगर टेक्नीशियन नहीं भी हैं तब भी पूरा प्रोसेस देखेंगे तो आप डेफिनेटली स्क्रीन चेंज कर पाएंगे। देखिए, डेल लैटिट्यूड 3480 है, 3480 इसका मॉडल नंबर है। तो इसमें कई सारी सीरीज आती है, तो कोई सा भी सीरीज का हो तो आप उसका स्क्रीन चेंज कर लेंगे। और अगर आपने इसको राइट खोल लिया पूरा लैपटॉप, तो आप कुछ भी, जैसे रैम चेंज करना हो, फ़ैन चेंज करना हो, बैटरी चेंज करनी हो, हार्ड ड्राइव चेंज करनी हो, तो आप वो कुछ भी चेंज कर सकते हैं। तो खोलने के लिए सबसे पहले बैक साइड में जितने भी स्क्रू दिख रहे हैं आपको, वो सारे खोल लीजिए। जितना भी स्क्रू दिख रहा है, कोई छोड़ना नहीं है, नहीं तो आप जब बैक कवर निकालेंगे तो वहाँ वो टूट जाएगा। तो जितने भी स्क्रू दिखेंगे सब आपको खोलने हैं। तो ये देखिए, स्क्रू खोल लिया है हमने। अब स्क्रू खोलने के बाद एक, अगर ओपनर है तो ठीक है, नहीं तो स्क्रू ड्राइवर का माइनस जो है लैपटॉप से खोलते हैं, उसी से यहाँ आपको कट दिखेगा, देखिए साइड साइड में है, तो उसी से लॉक है, तो उसको थोड़ा सा अंदर ऊपर की तरफ प्रेस करेंगे तो अनलॉक होता चला जाएगा चारों तरफ, फिर उसके बाद बैक कवर निकलेगा। और फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके लिए बहुत सारी वैल्यूएबल अच्छी वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। हमारे चैनल पर आप विजिट करके देख भी सकते हैं, बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियो है लैपटॉप की, TFT मोनिटर, LCD रिपेयर की। और वीडियो पसंद आए लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा करें। तो ये देखिए, हमने पूरा अनलॉक करके, ये देखिए बैक कवर निकल गया। अब आप देख सकते हैं कि आप इसमें क्या नहीं चेंज कर पाएंगे, सारा कुछ भी चेंज कर सकते हैं आप। रैम आपको दिख रही है, फ़ैन दिख रहा है, अगर फ़ैन का एरर आ रहा है तो आप सर्विस कर सकते हैं, फ़ैन निकाल के ब्रश से साफ़ कर देंगे तो चला जाए। अगर इसमें डस्ट है तब भी एरर आता है। ये देखिए, हीट सिंक के ऊपर बहुत सारा डस्ट है, तो इसको हम साफ़ कर लेंगे। तो अब खोला है हमने, तो इसमें डस्ट है तो पूरा ब्रश से अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे। तो आप इसमें सब कुछ भी चेंज कर सकते हैं। आपको अगर हार्ड ड्राइव रिप्लेस करनी है तो खुद से कर सकते हैं, बैटरी रिप्लेस करनी है तो कर सकते हैं। देखिए, अब हमें स्क्रीन चेंज करना है, तो स्क्रीन चेंज करने के लिए सबसे पहले जो हिंज है, हिंज स्क्रू से कसा हुआ है, टच से, जो टच का पैनल है पूरा उससे कसा हुआ है, तो हम दोनों साइड के स्क्रू खोल लेंगे। अब स्क्रू खोलने के बाद हमें क्या खोलना पड़ेगा, क्योंकि ए बी जो पैनल है स्क्रीन का, ए बी पैनल है जिसमें हिंज लगा है, तो उसमें ए वायर, एंटीने की वायर वहाँ से कनेक्ट है, तो इसलिए हमें वाईफाई कार्ड निकालना है। और ये डिस्प्ले का कार्ड जो है, ये डिस्प्ले कनेक्टर, वो हमें निकालना पड़ेगा। तो ये लॉक हमने खोल लिया है, तो इसमें आप ऊपर देखेंगे पकड़ने के लिए बना हुआ है, तो उसको सीधा साइड वाइड नहीं करना, सीधा ऊपर की तरफ ही उठा लेंगे तो निकल जाएगा, और लगाना हो तो बिल्कुल बराबर करके प्रेस कर देंगे तो लग भी जाएगा। तो ये देखिए, अब हिंज थोड़ा सा ऊपर उठा लें दोनों साइड से, फिर ये हमारा जो बोर्ड दिख रहा है ये पूरा अलग हो जाएगा, पार्ट दोनों अलग अलग हो जाएगा, पैनल और ये टच का पूरा जिसमें कीबोर्ड वगैरह लगे हुए हैं वो दोनों अलग हो जाएंगे। अब ये देखिए, हम अलग कर लेंगे, क्योंकि इसमें हमें कुछ नहीं करना है, हमारी स्क्रीन ख़राब है, तो इसलिए हम इसको अलग कर लेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको लैपटॉप की बहुत सारी वीडियोज़ मिलेगी हमारे चैनल पर। और अगर आप TFT रिपेयर करना सीखना चाहते हैं या रिपेयर करते हैं, कुछ फॉल्ट नहीं समझ आ रहा, तो उसके लिए भी हमारे चैनल पर वीडियो है, और पैनल की भी वीडियो, स्क्रीन अगर ख़राब है स्क्रीन कैसे रिपेयर करते हैं, वो सब सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। तो ये देखिए, सबसे पहले इसका हम बेजल निकाल लेंगे स्क्रीन निकालने के लिए। तो इसमें कुछ आपको स्क्रू ड्राइवर वगैरह नहीं लगाना है, हाथ से ही ये अनलॉक हो जाएगा। थोड़ा सा टाइट ज़रूर रहता है, क्योंकि ये चिपका हुआ होता है डबल साइडेड टेप से। और अब देखिए, निकलेगा नहीं, ये जो हिंज का कवर है बेजल में ही, वहाँ से हम अनलॉक करेंगे, लॉक है, उसके बाद फिर ये निकल जाएगा इजीली। तो ये देखिए, बेजल निकल गया है, अब स्क्रीन आप दिख रही है। ये देखिए, ये जो ब्लैक
कलर का दिख रहा है, ये डबल साइडेड टेप लगा हुआ था, इसी पर बेजल चिपका हुआ था, तो यहीं थोड़ा सा आपको केयरफुली निकालना पड़ेगा। चलिए, तो स्क्रीन ख़राब है तो हम कैसे भी निकाल लेंगे, अगर आपको हिंज बदलनी हो, स्क्रीन नहीं बदलनी हो, तो फिर तो बहुत केयरफुली निकालना पड़ेगा, नहीं तो स्क्रीन ख़राब हो सकती है आपकी। तो ये देखिए, अब ये स्क्रीन जो है ये चारों कोनों पर कसा हुआ है स्क्रू से, तो इसे हमें सारे स्क्रू निकालने हैं। ये चारों कोनों पर देखेंगे आप, ये देखिए ब्रैकेट में इसमें कसा हुआ है, तो इसको हम निकाल लेंगे, और निकालने के बाद स्क्रीन हमारी निकल जाएगी पैनल से। तो आप इजीली ये कर सकते हैं, बिना पूरा वीडियो देखें लास्ट तक, और पैक कैसे करना है सारा इस वीडियो में मैंने बताया हुआ है। तो ये देखिए, हमने स्क्रू खोल लिया, एक स्क्रू बचा है, इसको भी खोल लेते हैं, उसके बाद हम पैनल चेंज करेंगे। और फ्रेंड्स, अगर ब्रांडेड कुछ चाहिए, जैसे इसका बैटरी हो गया, लैपटॉप का एडाप्टर हो गया, और मदरबोर्ड हो गए किसी भी मॉडल का, तो हमारे पास अवेलेबल होता है। आप व्हाट्सएप नंबर दिया है मैंने, और आप उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो ये देखिए, हमें अभी कनेक्टर निकालना है, जो डिस्प्ले की केबल है वो निकालनी है स्क्रीन से। तो ये टेप से चिपका हुआ होता है, इसके लिए कि लूज ना हो, तो इसको आराम से निकाल लें। अब इसमें देखेंगे एक लॉक लगा हुआ है, वो लॉक हमें खोलना पड़ेगा। ये सब में नहीं होता है, किसी किसी मॉडल में होता है, लेकिन इसमें लगा हुआ है। ये देखिए, आपको दिख रहा होगा ये लॉक है, थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठाएंगे आराम से, तो एक केबल के साथ होता है, तो ये निकल जाएगा। ये देखिए, ये 14 इंच का मॉनिटर है, सॉरी पैनल है ये, तो इसमें हम नया, हमारे पास नया है जो 14.0 बोलते हैं, 14 इंच नॉर्मल पैन, नॉर्मल स्क्रीन है, तो इसे हम लगाएंगे इसमें, तो इस तरह से फिट होगा। देखिए, पूरा प्रॉपर इसी साइज़ का है, सेम है, तो इस तरह से फिट होगा। लेकिन अभी हमें डिस्प्ले का कनेक्टर आपको दिख रहा होगा, इसको हमें लगाना है। तो इसके लिए हम स्क्रीन को बैक साइड करके, ये देखिए यहाँ से फिर अब हम लगाएंगे, ये अपनी तरफ कर लीजिए, उसके बाद आराम से, ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, नहीं तो कनेक्टर बहुत हल्का होता है तो टूट जाएगा, ट्रैक भी उखड़ सकते हैं, तो इसलिए हल्का सा आप लगाएंगे, बराबर करते हो अपने आप लॉक हो जाता है। और जो एक ऊपर लॉक लगा हुआ है उसको हम दबा देंगे तो आवाज़ आएगी हल्की हल्की, तो समझ लीजिए लॉक हो गया। ये हमने लॉक कर दिया है, अब कोई इशू नहीं आएगा, ये पूरा प्रॉपर फिक्स है। तो ये लॉक इस मॉडल में है, तो इससे यही होता है कि ये लूज़ नहीं होता है, जब हम स्क्रीन खोलते हैं, बंद करते हैं, लैपटॉप को खोलते हैं, तो किसी किसी में केबल खींचती है थोड़ा सा, तो लूज होता है, वो आपने देखा भी होगा, तो प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगी। अब हम इसको कस देंगे प्रॉपर, कसने के बाद फिर चेक करेंगे पैक करके, जो डस्ट वगैरह है तो अब हमने खोला हुआ है तो इसको भी क्लीन कर देंगे। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें, और कुछ क्वेरी है तो कमेंट ज़रूर करें। अगर कोई फॉल्ट नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं किसी भी और मॉडल का, और किसी मॉडल पे वीडियो बनानी है तो आप बता सकते हैं कमेंट करके, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें एंड शेयर करें। तो ये देखिए, अब हम बेजल लगा देंगे, तो ये पूरा जो एक केबल है, एक यहाँ साइड में कट है कि जिससे डैमेज वगैरह ना हो, ये देखिए साइड में जो हिंज का कवर है, इधर एक साइड से कट है, तो उसमें हम सही से पूरा फिट करके, उसके बाद ये बेजल को साइड साइड में लॉक है, बस हल्के हाथों से प्रेस करना है, बहुत ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, नहीं तो पैनल टूट सकता है। तो ये देखिए, चारों तरफ आप दबाते चले जाएंगे, अपने आप बढ़िया से लॉक हो जाएगा पूरा बेजल। तो ये देखिए, लॉक हो चुका है बेजल। अब हम इसको बोर्ड में कनेक्शन करेंगे, पूरा हिंज को कसेंगे टच के साथ, जो ये पूरा प्रॉपर फिक्स कर देंगे, उसके बाद फिर चेक करेंगे। तो जैसे हमने खोला था, फिर उसी तरीके से बराबर करके यहाँ पे कट बने हुए हैं, वो एकदम फिट हो जाएगा। उसके बाद दोनों साइड में हम स्क्रू लगा देंगे, उसके बाद फिर चेक करेंगे। तो यहाँ भी आप केबल के लिए कट बने होंगे, वहाँ से केबल
जाएगी बोर्ड पर, तो वो पूरा हमें सही तरीके से करने के बाद फिर हिंज को प्रेस करना है। ये देखिए अभी हिंज मैंने प्रेस नहीं किया है, केबल को एकदम फिक्स कर लेंगे। ये देखिए, तो अब ये देखिए हमने हिंज लगा दिया है, अब इसमें स्क्रू लगा देंगे और उसके बाद फिर अभी वाईफाई कार्ड लगाना है और ये आपका डिस्प्ले की केबल। और एक चीज़ मैं बताना भूल गया, मैंने कनेक्टर निकाला हुआ है, मैंने आपसे बताया नहीं। तो अगर लैपटॉप जब भी खोलें जिनमें इंटरनल बैटरी लगी हुई है, सबसे पहले बैटरी का कनेक्टर निकाल दें। देखिए मैंने निकाला हुआ है, तो नहीं तो कई बार जैसे आप कस रहे हैं तो शॉर्टिंग हो सकती है। एक कनेक्टर लगा रहे हैं डिस्प्ले का तो फिर भी शॉर्टिंग हो सकती है, तो इसलिए सबसे पहले बैटरी का कनेक्शन निकाल दें। बोर्ड में बैटरी का कनेक्टर नहीं लगा हुआ होना चाहिए। जब हम सारा पैक कर लें, लास्ट में जब बैक कवर लगाना हो या चेक करना हो, जब ही बैटरी का कनेक्टर लगाएं। तो ये देखिए हमने वाईफाई कार्ड अब हम लगा दे रहे हैं और एक कनेक्टर मैंने डिस्प्ले का फिक्स कर दिया, आपने देखा होगा। ये देखिए पूरा अभी हमारा हो गया। अब उसके बाद आप देखिए हम बैटरी का भी कनेक्शन लगा देंगे, जो कनेक्टर है। तो इसमें एक बार में पूरा फिट हो जाएगा, ये बैटरी का कनेक्शन है। स्पार्क ना करें, केयरफुली लगाएं उसको। अब हम एक बार चेक कर लेंगे इसको चला के कि ये देखिए ये ऑन कर लिया। अब देखिए कोई लाइन नहीं आ रही स्क्रीन पर, एकदम परफेक्ट डिस्प्ले आ रहा है। मूव करके भी हम देख ले रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो फ्रेंड्स ये देखिए आपने देखा होगा कि बहुत आसानी से कैसे आप घर पर भी स्क्रीन चेंज कर सकते हैं। ये देखिए आपको यहाँ पे कहीं लाइन नहीं दिख रही है, नया पैनल है, बिल्कुल परफेक्ट सपोर्ट कर रहा है। और ये पुराना पैनल जो ख़राब है, अब मैं आपको बताता हूँ लाइन आती कहाँ से है। ये देखिए इसको खोल के दिखाता हूँ, ये है कॉफ, इसको कॉफ बोलते हैं, जो साइड साइड में दो ये दिख रहा है, एक कॉफ है। यही जब ग्लास की तरफ लूज हो जाता है या ड्राई हो जाता है तो लाइन आती है। तो ये वैसे चेंज तो होता है, लेकिन मशीन से चेंज होता है, बॉन्डिंग मशीन आती है उससे ये रिप्लेस होता है, लेकिन काफ़ी कॉस्टली पड़ता है, इसलिए पैनल ही चेंज करना बेटर रहता है। और कई बार ये सक्सेस भी नहीं होता अगर हम बॉन्डिंग